कोरोना के चलते भारत सरकार ने विदेश से आने वाले लोगों का वीजा 15 अप्रैल तक के लिए सस्पेंड किया। आईपीएल पर भी पड़ेगा कोरोना का असर, वीजा सस्पेंड होने से भारत नहीं आ पाएंगे विदेशी खिलाड़ी। जापान पुलिस ने एक अनोखे चोर को गिरफ्तार किया है जो 25 सालों से साइकिल की सीटें चुराता था। पुलिस पूछताछ में शख्स ने बताया कि उसे ऐसा करने में मजा आता है। भारत में बढ़ता जा रहा है कोरोना वायरस का प्रकोप। लखनऊ पटना में सामने आए नए मामलों के साथ पीड़ितों की संख्या 73 पहुंची। मामलों पर उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बैठक। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने किया ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी में स्वागत। ट्वीट कर बधाई देते हुए बोले, स्वागत है महाराज, साथ है शिवराज। केन्या में शिकारियों ने दुनिया की एकमात्र सफेद मादा जिराफ और उसके बच्चे को मार दिया है। अब तक शिकारियों की पहचान नहीं हो पाई है। अब दुनिया में सफेद रंग का सिर्फ एक जिराफ रह गया है। बता दें कि मार्च 2016 में केन्या में पहली बार सफेद जिराफ देखे गए थे।